अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं वड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े उबले हुए आलू, 1 कटी हुई प्याज, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ी सी धनिया, थोड़ा नमक, हल्दी और 100 ग्राम बेसन। इसके बाद में हम थोड़ी सी राया। इसके बाद में हम तेल गरम करते हैं, इसमें थोड़ी सी राया डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा गरम होने दीजिए। इसके बाद हम डालते हैं कड़ी पत्ता। इसके बाद में हम डालते हैं प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दीजिए, थोड़ा टाइम हम रुक जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। हरी मिर्ची डाल देते हैं स्वाद के लिए। जिसे ज़्यादा तीखा पसंद है वो और इसमें ऐड कर सकते हैं हरी मिर्ची। इसे भून लेते हैं अच्छे से। हम इसमें डालते हैं नमक ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए स्वाद अनुसार। ज़्यादातर लोग नमक बाद में डालते हैं, बट हमें नमक पहले ही डाल देना चाहिए क्योंकि वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। इसे अच्छा पकाएंगे मिक्स करके। गैस को बंद कर देते, फास्ट कर देते हैं। देखिए प्याज जलना नहीं चाहिए। और उसमें हम अब डालते हैं आलू। इसे अच्छा मिक्स कर दीजिए। हमें एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। इसे अच्छा पकने दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे ताकि मसाला अलग ना हो जाए। अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब हम इसे कोई भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमने पूरा निकाल लिया है। वापस से गैस पर डालें, थोड़ा सा तेल डालें। हम वापस से कढ़ाई चढ़ा चुके हैं गैस पर। अब उसमें तेल डालेंगे, वड़े को डीप फ्राई करना होता है इसी। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्दी। इसे ठंडा होने छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा ना होगा तो वड़े अच्छे नहीं बनेंगे, ये याद रखिए। सोडा डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्दी और जो बेसन है वो उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रखें ज़्यादा पतला ना हो, पतला होने की वजह से वो टूट जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि उसमें वो जो बॉल्स होते हैं वो ना छूटे।
ज़्यादा नरम ना हो, ये खटखट हो तो ये अच्छा डीप फ्राई होगा और तभी खाने में भी अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर ले। अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो ये फ्राई भी अच्छे से नहीं होगा। बेसन को इतनी अच्छे से मिक्स कीजिए कि उसके अंदर एक भी बॉल ना दिखे। ठीक है, ये तेल हमारा गरम हो चुका है, ये हमने बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे इसमें डीप करेंगे। अच्छे से डीप कर लीजिए। अब हम उसमें डीप फ्राई करेंगे। दूसरा वाला भी हम इसमें डीप फ्राई करिए। ये है तीसरा। जितनी आपके बर्तन में जगह होगी उतना ही डालना, वरना ये चिपक जाएंगे। इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए। देखिए कहीं ये कच्चा पक्का ना हो जाए। और वैसे बेसन को पकने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हल्का हल्का सा ब्राउन होने दीजिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, वरना ये जल जाएगा, पूरी स्मेल आने की वजह से खाने नहीं होगा। देखिए हमारा वड़ा तैयार होने वाला है। हमारे वड़े तैयार हो चुके। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे वड़े तैयार हो चुके हैं, हम इसे पाव के साथ खाएंगे। अगर आपको पसंद आता है आप इसमें घाटी मसाला मिलाकर खा सकते हैं। थैंक्स हमारा शो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।